सबसे पहले यारों में बताता हूँ कि गरेना ने एक बहुत ही छोटा सा सर्वे लिया था। यहाँ पर चार ऑप्शन थे, उन चार ऑप्शन में सबसे हाईलाइट ऑप्शन था डोंट सेल ओरिजिनल बंडल, डोंट क्रिएट लाइट वर्जन बंडल, कीप द ओरिजिनल बंडल। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बंडल्स को आप बार बार रिक्रिएट मत करें, दोबारा उसको बनाकर या कलर चेंज करना, जो बंडल है उसको रेड ही रहने। ये ऑप्शन काफी बेहतरीन लगा, काफी लोगों ने ये वोटिंग किया होगा। आई होप कि आपने भी यही वोटिंग किया। इसी के साथ 11 जनवरी के डू मल्टी वाइडिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप फेसबुक के साथ साथ यूआईडी को गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हो, यानी कि एक जगह से दो जगह आप लॉगिन कर पाओगे। बाय चांस अगर फेसबुक से आपने लॉगिन किया, कोई और बंदे ने आप उसका हैक कर लिया, तो आप दूसरे की जगह से सेम वही आईडी को आप लॉगिन कर पाओ। 11 जनवरी के ही आपको गैलरी ओपन का भी लिंकिंग देखने को मिलेगा, जहां पर प्रोफाइल के अंदर शो होता हुआ नजर आएगा कि आपका सबसे फेवरेट गन कौन सा है, कौन सा गन आप ज्यादा यूज करते हो, किस कौन सा गन चलाने में आप सबसे ज्यादा मार, इसका रैंकिंग सिस्टम सब देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर बता दो कि यार जो अपना बीपी पास है जो कि अपने इंडियन सर्वर में तो आ ही चुका है, वो भी यार 499 में बताया जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि हर अलग सर्वर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस प्राइस है, पर सस्ता है तो कहीं पर महंगा। उसी हिसाब से आप ये सर्वे चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने अच्छे खासे डिटेल में दिखा पोस्ट कर लेना। एंड यहाँ पर यार आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन मिला होगा, जहाँ पर आपको ई लाइट पास के थीम पर सर्टिफिकेट दिया गया है। फाइनली ये चीज हमें देखने को मिल गया, बट सही बता रहा हूँ ये कोई काम नहीं है, वो भी दिन दूर नहीं कि गरीब ने सर्टिफिकेट ये भी दे देगा। कौन बंदा सबसे ज्यादा पैसे लगाता है, ये रहा उसका सर्टिफिकेट। जिस दिन माता पिता को मालूम लग गया भाई ये गेम में इतना पैसे लगा है और इसको ये वाला सर्टिफिकेट मिला, तो बंदा कहीं का नहीं रहेगा। खैर मजाक से हट के बात करें तो एक सीरियस टॉपिक बता दूं कि ई स्पोर्ट्स यार अब ओलंपिक में खेला जाएगा, यानी कि हर गेम जो भी उसका टूर्नामेंट होगा अब ओलंपिक जैसे बड़े बड़े जगहों पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दिए जाने वाले। ये चीज भारत में कंफर्म हो चुका है, उसका रिलेटेड ये पोस्ट आप देख सकते हैं, उसके रिलेटेड मैंने राजपत्र भी आपको दिखाया था, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो बंडल मिस्ट्री शो में आने का संभावना ज्यादा बन रहा है, तब तक के लिए इसे मैं पॉसिबिलिटी ही कहूंगा। साथ ही साथ यार बता दूं कि हर महीने एक मैजिक क्यूब के अंदर बंडल ये महीने चेंज होते रहेंगे, जो कि आपको पोस्ट में देखने को मिल रहा है। यही सब मैजिक क्यूब में बंडल हर महीने एक बार चेंज होगा, अगले महीने में अगले। 8 तारीख को आपको एंग्लिक रोबाइल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर उसके रिलेटेड सारे आइटम नजर होते हुए नजर आ जाएंगे। अच्छा मैं भी उसका गुलवाल्स भी जैसे कि कुछ इवेंट तो ये पहले से स्टार्ट हो गया है, 2 जनवरी से उसका इवेंट भी स्टार्ट हुआ। कुछ तो लोग कह रहे बिल्कुल फ्री में रहेगा, लेकिन मेरे को लगता थोड़ा बहुत डायमंड्स भी जाएंगे। यहाँ पर 2 जनवरी को आपको टॉपअप इवेंट देखने को मिलेगा, बट यार पॉसिबिलिटी चांस ये है कि ये साथ बेब इवेंट भी आए स्पेशली, जहाँ पर इसका हो सकता है कि अगर टॉपअप में भी आता है तो उसका 300 डायमंड की जगह कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो सकता है, 500 या 400, मतलब ऐसे मान लो 300 की जगह 100 होगा और 500 की जगह होगा वो 500 ही होगा, कुछ इसी टाइप का बनाकर अलग टाइप का दे सकते हैं। नए इवेंट्स की बात करें तो यार यहाँ पर कार्ला डिलिंग्स का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब तक ये स्टार्ट हो जाए, जहाँ पर इसके रिलेटेड टी शर्ट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, इसके फेस मास्क भी कुछ अजीब टाइप का है तो वो भी दिया जा सकता है। बाकी इसी के रिलेटेड एक है कि न्यू इवेंट यही है। यहाँ पर न्यू स्काई विंग जो स्किन होने वाला है वो काफी ज्यादा जहाज लुक टाइप को सोने कलर में बना रखा है, देख सकते हो फर्स्ट लुक जो की एकदम वीडियो क्लिप में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ कटाना भी स्किन देख सकते हो, जो की इसका नाम ही ऐसा है, कितने लोग कह रहे की ये माइनक्राफ्ट का तलवार है उसी को उठाकर यहाँ पर चेप, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है गरेना थोड़ा चेप दिया और माइनक्राफ्ट वाले को जिस दिन पता लगेगा तो शायद इसके रिलेटेड केस ना ठोकना। वैसे यार छोटी चीज के लिए केस ठोकना कौन चाहेगा यार, मुझे भी नहीं समझ आता। मुझे स्टूडियो की याद आएगी। चीयर अप बडी, पुराने को बाय, नए को हाय। अब चलिए मैं आपको मेन टॉपिक पे ही लेके चलता हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि अलविदा माइक्रोचिप क्रैक, तो भाई इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि जे वीप्स एंड जे का माइक्रोचिप तो अवेलेबिलिटी बन ही चुकी है, और इसी के साथ एक और 3 लोग अभी बच रहे हैं, जैसे के करेक्टर को आलोक करो, इनका भी माइक्रोचिप बना दीजिएगा। तो देखो यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, एंड मे बी अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो ये दोबारा कोलैबोरेशन करके नहीं भी आ सकता। ये सबसे बड़ा बैड न्यूज है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जय भैया भी ना, बट इसका जो एक मैगजीन था जय का रिलेटेड में लिखा था कि ये स्पेशल मिशन के लिए जा रहा है, नो लिविंग एफ फ्री में भी पॉसिबिलिटी चांस उसका अलग है, लेकिन जे वीप्स को देखोगे, जे वीप्स को तो यार 4 महीने ही अभी कुछ हो रहे थे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, ये तो सुनकर मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। बाकी यार ये सारे कैरेक्टर्स अपने अपने माइक्रोचिप एबिलिटी माने वाले हैं। एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगा कि मे बी कि अगर ये माइक्रोचिप एबिलिटी बनते हैं तो इनके जगह कोई और कैरेक्टर कोलैब क्रिएशन करके इसका एबिलिटी को छेक सकता है, यानी उनकी जगह ले ले, गरेना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि गरेना आखिर क्या प्लान कर रहा है, बाकी अगर कोई बड़ा प्लान कर रहा है सरप्राइजली एक तोहफा दे सकता है हर एक प्लेयर। बाकी तब तक के लिए एक बैड न्यूज है और खुशखबरी की बात तो ये है कि ये है अपना नया साल, न्यू एडवेंचर की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड हाँ यार 15,000 सब्सक्राइबर तब करवा ही दो, नया साल आ गया है तो नए साल का मुबारकबाद तो मैं भी दे रहा हूँ, तुम भी दे देना। सही बात है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय।